got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. Hey guys, hope you are fine. Boy, finally back with another vlog. And yaar, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, क्या कमाल किस्म की चीज़ है। अभी हो रहे हैं 5:45 टाइम हो रहा है और आउट क्लास किस्म की, ये चेक करो आप लोग, बादल ऐसे नीचे आए हुए हैं। ओह यार, दिस इज द हेवन, कमाल यार, फर्स्ट एवर आई व्यूड इट। आज हमारा टावर्ट में लास्ट डे है, सो मिस करेंगे यार ये चीज़ें। मैं कहता हूँ कमाल किस्म की चीज़ें हैं, मेजेस्टिक लगती हैं। वापसी की तैयारी करनी पड़ेगी और केल जाना पड़ेगा। हमारी जो आज की ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, और क्योंकि आज हमने डायरेक्टली जाना है लाहौर। फर्स्ट हमारा स्टे होगा केल, अगर टाइम हुआ तो हम अरंगेल भी जाएंगे। सो गाइस, रेडी टू गो। यार मौसम और ज़्यादा लेवल होता जा रहा है, तो यार बिना जीप आगे खड़ी हुई है, हमें पैदल चल के थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली जीप हो गई है, तो ये बड़ी मज़े की बात है, वरना ये सामने कोसे में जाना पड़ना था अगर जीप ना आती तो। वो भाई ने रुकाया मैंने, तो उन्होंने ना जीप करवा दी हमें। चलें यार बॉस, आ जाओ चलें। यार क्या कमाल, मैं कहता हूँ बहुत कमाल किस्म का व्यू आ रहा है। बस जैसे हम पिछले साल अरंगेल को छोड़ गए थे, इस साल थोड़ा सा और आगे तावड़ को छोड़ के जा रहे हैं। और लेकिन जो भी था, बहुत ही कमाल यहाँ पर हमने दो दिन जो दो गुजारे हैं, बहुत ही मज़े के थे और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। हर चीज़ हमने देखी है, ये बस ये देखने को रह गया था और ये भी देख लिया। बहुत ही लेवल का माल किस्म का मंजर है ये। अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ताव हटाना पड़ेगा ये चीज़ें देखने के लिए। मौसम बहुत कमाल, क्लासिकल मौसम हुआ है, मज़ा आ रहा है जहाँ पे आज। तो हम एक दिन और दिन रुक नहीं सकते, और ना रुकते यार, बड़े दिन हो गए घर से निकले हुए, तो अब चलते हैं हम। यार ये सामान वगैरह रखवा रहे हैं जीप में और इंशाल्लाह निकलना है यहाँ से अब। यार मज़ा बहुत आ रहा है कसम से। ऐसे नहीं भाई, इसको हेवन कहते, कोई तो इसके अंदर चीज़ है, और ये चीज़ें आप देख सकते हैं क्या चीज़ है। ओह माय गॉड। चलो जी यार, हम बैठ गए जी के अंदर, महीने का हम 2.5 घंटे में आपको पहुँच जाएंगे। जिस हिसाब से चलाने लग यही रहा कि 2.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। आए कितने घंटे में थे हम? तो 4-5 घंटे के अंदर हम आए थे, तो ये आधा फर्क पड़ जाएगा इसमें। तो यार टायर खरीदे से बस निकले हम यहाँ से। लो यार हम केल पहुँच गए हैं, भाई साहब ने हमें 2.5 घंटे के अंदर अंदर जीप में पहुँचा दिया, ये बेनिफिट होता है जीप का। और ये बस आ रही है, इसमें हम जाएंगे पिंडी डायरेक्ट यहाँ से। 5 बजे जो है ना, हम 5 बजे जो है यहाँ से बस निकलनी है, उतनी देर हम जो है ना ऊपर अरंगेल जाएंगे। अभी बैंक जा रहे हैं पैसे पूसे निकलवाने, ताकि जो है ना उधर पेमेंट कर दें टिकट्स की। और अरंगेल तो यार मौसम काफ़ी लेवल का लग रहा है, बादल शायद नीचे आए हुए हैं, जाके चेक करते हैं और फिर जो है ना आपको सीन्स वगैरह चेक करवाते हैं। आज वैसे है सैटरडे, और कल हम इंशाल्लाह लाहौर पहुंच जाएंगे। मैंने घर नहीं बताया हुआ, सरप्राइज रखा हुआ है। मैंने को ये कहा था कि हम मंडे को आएंगे, बट ये है कि सैटरडे को इंशाल्लाह कैर करिए से घर पहुँच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 10, तो हमने कहा हाइक कर लेते हैं। 2 घंटे लगेंगे क्योंकि इन्होंने जो है ना लिफ्ट बंद कर दी हुई है, तो अब नीचे जाते हैं। ये सामने बिल्कुल अरंगेल है, और ये जो ऊपर है ना लिफ्ट जो है ये बंद की हुई है, इस वजह से इसने यहाँ पर ना किसी ने स्टे ले लिया, कि वो कोई मसला हुआ था तो उस वजह से स्टे ले लिया, तो उसकी वजह से आपको नीचे से 2.5 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है ऊपर अरंगेल जाने के लिए। पहले इस वाली ट्रैक से नीचे जाना पड़ता,
देन उसके बाद वहाँ से वो होते हुए ऊपर जाएंगे आप लोग। इतनी काम आवाज़ है, मैं कहता हूँ बहुत सुकून है यहाँ पर। जंगलों की जैसे आवाज़ होती है उस टाइप की आवाज़ है और बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये हम आ गए हैं ब्रिज के पास। ये ब्रिज क्रॉस करके फिर आप जाते हैं अरंगेल की हाइकिंग पर। यहाँ से रास्ता बना हुआ, बट इधर यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा आता है दरिया का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें आप। फिर लास्ट में आया था यहाँ पर सारी बर्फ़ थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, पानी फ्लो ही नहीं कर रहा था। तो अब ये है कि थोड़ी ठंड है लेकिन इतनी नहीं है, बस नॉर्मल टेम्परेचर है। धूप भी है ना इस वजह से, अभी है अभी सितंबर तो पानी का फ्लो सही है। यहाँ से हाइक स्टार्ट हो गई है अरंगेल के लिए। ये यहाँ पर घोड़े वाले भी खड़े होते हैं, अगर आप लोग नहीं ट्रैक कर सकते तो आप लोग घोड़ों पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर खड़े में पता नहीं कितने पैसे लेते हैं, बट ये है कि हम वैसे ही ट्रैक करेंगे। अगेन वही वही सीन है, इतना आसान नहीं है, मज़ा आता है ऊपर जाके लेकिन जाना बहुत मुश्किल है भाई। तो ब्रो चलो भाई, चलो चलो आज क्या सीन है, बैठ गए हो चलते हैं यार। राम राम से हमें कौन सा ऊपर जाके पहाड़ तोड़ने। नहीं नहीं मेन बात ये नहीं है भाई, मेन बात बताओ ना, अंदर की बातें आप बताते ही नहीं हो ऐसे। मैंने साहब लगाया आपका, साहब क्यों लगाया हूं ना, लगाया किसी हफ्ता आपने दिया। थक गए हमारे साथ वाले भाई, ये देखो उधर ही बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ आ जाओ तो आ ही नहीं रहे, हम इधर ऊपर आके बैठ गए, वो देखो कितनी दूर आ गए। दिल भाई ये है बस लाभ, क्या कहना आप इनको, कैसे टाइम बचाएंगे ऐसे बैठेंगे इतनी इतनी देर तो, ऐसे तो नहीं काम चलेगा भाई। हमने कह रहे थे बहुत मुश्किल है, ये है वो है, अब खुद उधर ही बैठते हैं। 11 बज गए भाई, हमने नीचे जाके 5 बजे बस पकड़नी है, हमने टिकटें ले ली हुई हैं। नाश्ता करना जल्दी आओ, तो नाश्ता भी नहीं किया, ऊपर जाके करना है तो ये रास्ते में बैठ गए हैं। ऐसा ही आराम आराम से भाई, आराम आराम से, जमीन को थकाना भाई, हमने नहीं थकना, आराम से चलते रहो चलते रहो। मज़ा आ रहा है बहुत। आप क्या सिचुएशन है भाई? सिचुएशन तो काफ़ी नाजुक है। नाजुक है आपकी बॉस? बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नाजुक है। तो यार हम पहुंच गए तकरीबन आधे से ज़्यादा हो गया टैक्ट, ये इसका जाना है एक लिफ्ट जहाँ से चलती है ना रंगेल की, वो प्लेस है। तो अब थोड़ा सा तकरीबन 15 मिनट का आगे रह गया, तो अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा रह गया। ये ऊपर टॉप आ गई, यहाँ पे भी ट्रैक बन रहा है और इसी के साथ फाइनली इन अरंगेल। चेक दिस आउट, बड़ा मज़े का ये रास्ता आगे तक जाता है। जब लास्ट टाइम आए थे काफ़ी इतने विलेज नहीं थे यहाँ पे ना, वो बना नहीं हुए थे होटल वगैरह, तो अब जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर होटल मोटल बन गए हैं, तो उस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों की आमदरफ्त हो गई है। लेकिन जो ब्यूटी है ना पहाड़ों की, वो लेवल ही है। आप लोग मौसम देख सकते हो, कभी बदल जाता है कभी कुछ हो जाता है। यहाँ पर हम कुछ खाने पीने के लिए बैठे हैं, नाश्ता नहीं किया हुआ था तो अब जो है लंच खा रहे हैं। सामने ये गवर्नमेंट बॉयज़ का स्कूल है,
यहाँ पे बाहर पढ़ाई हो रही है और बड़ी प्यारी जगह है यार। इधर है तो कुछ नहीं है, एक साइड पे धूप है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वहाँ पर जो है ना कमाल यार, वो पीछे पहाड़ है वहाँ पे बादल हैं, लेकिन वहाँ पे ना बर्फ़ पड़ी हुई है पीछे शायद, ये देखें थोड़ी थोड़ी ना बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ पे, लेकिन बहुत ही कमाल और आउट क्लास किस्म का व्यू आ रहा है। गर्मियों में आप लोगों को ज़्यादा मज़े के व्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एकदम मौसम चेंज हो जाता है, एकदम धूप निकल आती है, ये मज़े का काम है। हमारा खाना बस रेडी हो रहा है, खाना शाना खाते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर इंजॉय वगैरह करते हैं और फिर दोबारा नीचे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि हमारी 5 बजे की जो है ना बस है पिंडी के लिए, तो हम डायरेक्टली फिर तकरीबन 4:30 तक नीचे पहुँच जाएंगे, फिर हम बस पकड़ेंगे और सो ऑनवर्ड कर जाएंगे। तो यार खाना शाना आ गया, ये हमारे पास पकौड़े हैं, देखें खाना शाना खाते हैं, फिर उसके बाद 1 बजने वाला हो गया, फिर घंटा बैठ उठते हैं, फिर निकलते हैं आज जाना, बादल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये ना हो बारिश हो जाए ट्रैक में और बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना जाना। ये यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे व्यूज़ जो हैं, तो पहले नहीं गए थे, फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, क्या करते हैं कि क्या हिसाब है यहाँ पर, और कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। यार यहाँ पे हम बैठे हुए थे, ठंडी हवा पड़ी है, ऊपर से धूप पड़ी है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर, हम टाइम पास करने आए थे और टाइम पास में मज़ा भी आ रहा है। यहाँ से यार ये देख अखरोट है, सफर कर रहे की है और तो ना जावी ये ना ला अन्नी दे गलत एंगल बनी रुक जाओ ए बस कर बस कर ए मैं ना लाई जा है की चेक पे कर ली चला जा नीचे भाई तेरा सब तो जड़ा है अब आ की इतनी तेज है देख के तो पैर पैर थरे सड़ते ना यहाँ से ये पहाड़ जा करें कितना कमाल किस्म के लग रहे हैं यार। हम वापस ट्रैक शुरू करने लगे हैं, नीचे जा रहे हैं, टाइम हो गया बस का, तो नीचे जाके बस पर करते हैं ट्रैक, जल्दी जल्दी से पूरा करते हैं। थोड़ा सा रह गया, ये ब्रिज क्रॉस कर लिया हमने, यहाँ तक आ गए, यहाँ से अब ऊपर जाना और साथ ही बस को करते हैं, टाइम भी होने वाला बस और निकलते हैं। तो यार बस रेडी है, बस निकलने लगे हैं और ये ब्यूटी बस छोड़ के जा रहे हैं, ये बस सामने खड़ी है, अब डायरेक्टली जाएंगे पिंडी, आपको पिंडी जाके मिलते हैं। ये पिलो मैंने रख लिया, सोने लगे हैं यार सुकून से, थक बहुत गए हैं। यार हम लोग वापस आ गए हैं तकरीबन 12 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद केएल से डायरेक्ट पिंडी। हेम भाई का मुँह देखो, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, ये देखें हालात इनके देखें, बाकी यार बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सफ़र नहीं गुजर रहा था, अभी है कि बस सामने खड़ी हुई है, टिकट करवा ली हमने, 6:30 निकलेगी और अप्रॉक्सीमेटली हम 5 घंटे में उधर होंगे, मतलब 11:30 तक, तो तब तक कुछ खा खू लेते हैं यहाँ से बाहर से। लो यार ये देखें पराठा और चने, सुबह सुबह का टाइम है, ये इसने रोला डाला हुआ था, नाश्ता करो नाश्ता करो, तो अब इसको नाश्ता करो, लस्सी पिला देते हैं, तुम्हें टेंशन ना लो, लस्सी भी मंगाते हैं अभी। लो यार लस्सी आ गई है, मज़ेदार है वो
ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਬਸ ਲਾਓਗੇ ਬੋਲਿਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਢੂੰਡਦਾ ਰਹਿ ਅਖਰੋਟ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਅਖਰੋਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਈ ਕੋ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ ਅਖਰੋਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸਕੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਗ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਬੋਰਡ ਗਾਇਸ ਯਾਰ